हेलो फ्रेंड्स, यूं तो आपने अनेक तीर्थों की यात्राएं की होगी, लेकिन कहते हैं कि नैमिषारण्य की यात्रा किए बिना सब अधूरी है। शायद इसीलिए नैमिषारण्य को तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है नैमिषारण्य में खास और क्या है यहाँ का इतिहास। इस वीडियो में आप नैमिषारण्य की सामान्य जानकारी के साथ ये भी जानेंगे कि नैमिषारण्य कैसे जाएँ, कहाँ ठहरें, नैमिषारण्य का महात्म्य क्या है, नैमिषारण्य की कथा क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं, नैमिषारण्य कब जाएं, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं और नैमिषारण्य यात्रा पर कितना खर्चा होगा। एक एक कर हम सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 87 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है नैमिषारण्य। कहते हैं कि यहाँ जाने मात्र से, दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वह पवित्र जगह है जहाँ महापुराण लिखे गए। पुराणों में इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद यदि इस धाम की यात्रा नहीं की गई तो आपकी यात्रा अपूर्ण है। ये वह जगह है जहाँ पर पहली बार सत्यनारायण की कथा हुई थी। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियाँ दान की थी। वराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा नैमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु, कुर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी यानी हल यही गिरी थी, अतएव यह नैमिषारण्य कहलाया। ऐसा भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का यह नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इससे पहले कि नैमिषारण्य की यात्रा पर आगे बढ़ें, आइए जान लेते हैं कि नैमिषारण्य कैसे जाएं और कहां ठहरें। नैमिषारण्य कैसे पहुंचे? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हरदोई से नैमिषारण्य की दूरी 40 किलोमीटर है। देश के विभिन्न शहरों से नैमिषारण्य पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लाइट से नैमिषारण्य कैसे पहुंचे? नैमिषारण्य का सबसे करीबी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पटना, देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ के साथ साथ देश के अन्य छोटे बड़े हवाई अड्डों से भी जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से नैमिषारण्य जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। अगर आप सफ़र को बस से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर लखनऊ बस स्टैंड जाना होगा, जहाँ से आप बस पकड़कर नैमिषारण्य जा सकते हैं। ट्रेन से नैमिषारण्य कैसे पहुँचे? नैमिषारण्य का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन सीतापुर जंक्शन है, जो नैमिषारण्य से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीतापुर जंक्शन देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और कानपुर जैसे नज़दीकी शहरों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप देश के विभिन्न शहरों से नैमिषारण्य जाना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। लखनऊ रेलवे स्टेशन कानपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता और देहरादून के साथ साथ देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों से भी जुड़ा हुआ है। लखनऊ से नैमिषारण्य जाने के लिए आपको बस और प्राइवेट टैक्सी, इन दोनों साधनों की सुविधा बेहद आसानी से मिल जाएगी। यूं नैमिषारण्य के नाम से भी एक छोटा रेलवे स्टेशन है। बस से नैमिषारण्य कैसे पहुँचें? उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से आपको नैमिषारण्य जाने के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप देश के अन्य शहरों से बस के द्वारा नैमिषारण्य जाना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से लखनऊ, फर्रुखाबाद, शाहबाद, सीतापुर या फिर कन्नौज के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, जो नैमिषारण्य के नज़दीकी और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश के नज़दीकी राज्यों से आपको इन शहरों के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आप अपने शहर से इनमें से किसी भी नज़दीकी शहर के लिए बस पकड़ सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद दूसरी बस पकड़कर नैमिषारण्य जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने शहर से प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी नैमिषारण्य जा सकते हैं। नैमिषारण्य में कहां ठहरें? नैमिषारण्य में रात्रि विश्राम के लिए कई ऑप्शन है। यहाँ पर छोटी बड़ी हर तरह की अनेक होटलें हैं। यहाँ कई धर्मशालाएँ और आश्रम, मठ आदि भी हैं, जिनमें रात्रि विश्राम की अच्छी सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध रहती है। इनमें प्रमुख है
आदि चुनचुनागिरी महासंस्थान मठ, कर्नाटक आश्रम, महाराष्ट्र भवन यात्री निवास तथा श्रीनाथ जी हवेली। इनमें आपको डबल बेडरूम विद एसी और नॉन एसी तथा फैमिली रूम और 25-50 यात्रियों के समूह के लिए भी हॉल आदि आसानी से मिल जाएंगे। किराया भी वाजिब होगा। नैमिषारण्य में श्रीमद्भागवत कथा, राम कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं समस्त धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजन आदि आयोजनों के लिए सत्संग भवन में ठहरने हेतु एसी व नॉन एसी रूम्स की सुविधा उपलब्ध है। नैमिषारण्य का पौराणिक महत्व। नैमिषारण्य की कथा इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत, जो कलियुग के प्रारंभ के विषय में अत्यंत चिंतित थे, वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। साधु संतों ने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलियुग के प्रभाव से अछूता रहे। ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले कि जहाँ भी यह चक्र रुकेगा वह स्थान ऐसा होगा जो कलियुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। संत इस चक्र के पीछे पीछे आए, जो कि नैमिष वन में आकर रुका। इसीलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस स्थान को ध्यान योग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया था। प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लवकुश भी उन्हें यहीं मिले थे। महाभारत काल में यहाँ पर युधिष्ठर और अर्जुन भी आए थे। मिश्रिक। आइए अब हम आपको यहाँ के मिश्रिक तीर्थ का भी महत्व बताते हैं। नैमिषारण्य से कुछ ही दूरी पर स्थित है मिश्रिक, जहाँ के दधीचि कुंड का विशेष महत्व है। कहते हैं कि वृत्तासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों के लिए निवेदन किया, तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। इंद्र ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आह्वान किया। समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों का जल एक सरोवर में मिश्रित हुआ और महर्षि दधीचि ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीचि कुंड या मिश्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है और समस्त देवताओं ने 84 कोस के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीचि ने सभी देवताओं का दर्शन किया और परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। तब से समस्त 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त 33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोस परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से यहाँ आते हैं। दर्शनों का समय। मिश्रिक तीर्थ और नैमिषारण्य के लगभग सभी मंदिर सुबह से शाम तक दर्शनार्थ खुले रहते हैं। आप सवेरे 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक देव दर्शन कर सकते हैं। सभी मंदिरों में दर्शन निःशुल्क है। अगर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल। नैमिषारण्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ एक गोलाकार पवित्र सरोवर है। लोग इसमें स्नान कर परिक्रमा करते हैं। आप इसमें उतर जाएं, फिर इसका अद्भुत जल प्रवाह आपको अपने आप परिक्रमा कराता है। आपको लगेगा कि एक चक्कर और लगाया जाए। इसमें चक्रनुमा गोल घेरा है जिसके अंदर एवं बाहर जल है। ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया चक्र इसी स्थान पर गिरा था। पूरी दुनिया में इस चक्र तीर्थ की मान्यता है। कहते हैं कि इस पावन चक्र तीर्थ के जल में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है। चक्र तीर्थ परिसर में अनेक मंदिर बने हुए हैं। ललिता देवी मंदिर। चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद आप ललिता देवी मंदिर अवश्य जाएं। इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ललिता देवी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। कुछ लोग इस पवित्र मंदिर को लिंगधारिणी भी कहते हैं। मंदिर का आधार काफ़ी सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जब देव दानव का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी के कहने पर ललिता देवी दानवों के संहार के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई थी। पंचप्रयाग। पंचप्रयाग नाम का एक छोटा सा पवित्र कुंड ललिता देवी मंदिर के समीप ही है। कुछ लोग यहाँ भी स्नान करते हैं अथवा यहाँ के जल का आचमन करते हैं। इसके किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। व्यास गद्दी। यहाँ वेद व्यास ने वेद को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया और पुराणों का निर्माण किया।
उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, वैशंपायन, शुकदेव, सुत, अंगिरा और पेल को श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों का उपदेश दिया। यह एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसे आशीर्वाद माना जाता है और माना जाता है कि जो इस पेड़ के नीचे योग करता है वह असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकता है। हनुमानगढ़ी और पांडव किला। चक्रतीर्थ के समीप ही हनुमानगढ़ी और पांडव किला है। गोमती नदी के तट पर पांडव किला बना हुआ है। कहा जाता है कि वनवास के समय पांडव इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियाँ बनी हुई है। पास ही हनुमानगढ़ी है। पाताल लोक में अहिरावण पर अपनी जीत के बाद भगवान हनुमान पहले यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए ये जगह उनके भक्तों के लिए उच्च महत्व रखती है। भगवान हनुमान के पत्थर की नक्काशी वाली एक शानदार मूर्ति है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठे हैं। मंदिर को दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि भगवान हनुमान की प्रतिमा यहाँ दक्षिण की ओर मुख करके स्थित है। त्रिशक्ति धाम मंदिर। त्रिशक्ति धाम मंदिर को आंध्र आश्रम संस्थान ने बनवाया है। ये आंध्र प्रदेश की ही एक संस्था है। इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी की एक विराट मूर्ति बनी हुई है और माँ दुर्गा की भी एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। दोनों मूर्तियाँ वास्तव में बेजोड़ है। अपनी नीमसार यात्रा में आप त्रिशक्ति धाम मंदिर अवश्य जाएं। सुतगद्दी। ये पौराणिक स्थल नैमिषारण्य में एक टीले पर बना हुआ है। यहाँ पर महर्षि सुत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान दिया था, तभी से ये जगह सुतगद्दी के नाम से जानी जाती है। वहीं राधा कृष्ण तथा बलराम जी की मूर्तियाँ भी हैं। देवपुरी मंदिर। 108 हिंदू देवी देवताओं को यदि आप एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो शायद इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं। देवपुरी में आप पाएंगे 108 देवी देवताओं की मूर्तियाँ। अद्भुत स्थल है ये। विशाल प्रांगण, फिर एक विशाल मंदिर। सच में एक ही मंदिर में इतने सारे भगवानों के दर्शन पाकर दर्शनार्थी धन्य हो जाते हैं। देवपुरी मंदिर से थोड़ा ही आगे श्री बांके रमन बिहारी चार धाम मंदिर है। बाबा भूतेश्वर नाथ। एक और अति प्राचीन शिवलिंग जिसको भक्तगण बाबा भूतेश्वर नाथ से जानते हैं। मान्यता है कि ये नैमिषारण्य के 33 करोड़ देवी देवताओं और 88,000 ऋषियों के रक्षक हैं। चक्रतीर्थ परिसर में बने इस प्राचीन बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन होता है। श्री देव देवेश्वर धाम। श्री देव देवेश्वर धाम भगवान शंकर का अति प्राचीन मंदिर है। ये नैमिषारण्य के प्रमुख शिवालयों में से एक है। बिल्कुल शांत वातावरण में बना ये छोटा सा मंदिर संपूर्ण भारत में जाना जाता है। इस मंदिर का वर्णन वायु पुराण में मिल जाता है। इस मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए मिलते हैं। यहाँ स्वामी श्री नारद नंद जी महाराज का आश्रम तथा एक ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। इसके अलावा यहाँ क्षेमकाया मंदिर, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमय आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, अहोबिल मठ और परमहंस गौड़ीय मठ आदि भी देखे जा सकते हैं। नैमिषारण्य कब जाएं? आप साल में कभी भी नैमिषारण्य जा सकते हैं, विशेषकर जब वहाँ कथा आयोजन हो तब जाना चाहिए, क्योंकि नैमिषारण्य में कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है। कथा के दौरान आपके रहने खाने की भी आयोजकों की ओर से व्यवस्थाएं हो जाती है। वहाँ भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, श्री राम कथा होती ही रहती है। मौसम के लिहाज से देखें तो नैमिषारण्य की यात्रा के लिए हर मौसम उपयुक्त है। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? यदि आप नैमिषारण्य की यात्रा दर्शन लाभ के उद्देश्य से करते हैं तो 1 रात और 2 दिन का प्रोग्राम बनाकर जाना चाहिए। इससे आप नैमिषारण्य और मिश्रिक तीर्थ के सारे दर्शनीय स्थल आराम से घूम सकेंगे। और यदि किसी कथा आयोजन में शरीक हो रहे हैं तो 5-7 दिन वहीं रुककर कथा श्रवण का आनंद एवं पुण्य प्राप्त करें। यात्रा पर होने वाला खर्चा। अब अगर हम खर्चे की बात करें तो नैमिषारण्य में 2 दिन के प्रवास का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मोटा मोटा देखें तो होटल में रात्रि विश्राम का मान लो 1,000 रुपये, 2 दिन में 4 समय के भोजन एवं चाय नाश्ते का खर्चा मान लो 800 रुपये, दर्शनीय स्थल देखने के लिए ऑटो रिक्शा चार्जेज मान लो करीब 300 रुपये, अदर एक्सपेंसेस लगभग 500 रुपये। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का खर्चा आ रहा है मात्र 2,500 रुपये। यदि आप किसी धर्मशाला या आश्रम में ठहरते हैं तो केवल 2,000 रुपये में भी आपका काम हो सकता है। इसमें आपके शहर से नैमिषारण्य तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। तो अब देर किस बात की, प्रोग्राम बनाइए और नैमिषारण्य यात्रा का पुण्य कमाइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।